ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब जिन लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा उन्हें पता होगा कि भाई हमने क्या सीन कर दिया है। तो भाई मैं एक बहुत ही रिच पर्सन, एक्चुअली बहुत रिच नहीं, इस सिटी का सबसे रिच पर्सन जिसके पास 4 सुपर कार है, एक लीमो है और एक बुगाटी, मतलब 5 सुपर कार हो गई। अब उसकी हमने बुगाटी कार तो चुरा ली थी, लेकिन गलती का करी अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर गए थे, वो वहीं छोड़ा है। तो चलो यार अभी माइकल को लेकर चलते हैं उस लोकेशन पर जहां पर हम अपनी लैम्बोर्गिनी छोड़कर आए थे। तो भाई उसे लेकर आना बहुत जरूरी, क्योंकि कल भी आपने देखा होगा पुलिस वाला चुरा कर भाग रहा था, एक्चुअली वो मुझे पकड़ना चाह रहा था उसमें बैठ के। तो भाई ये देख लो हमारी बुगाटी कितनी तगड़ी लग रही है। तो जब मैं अपनी लैम्बोर्गिनी वापस ले आऊंगा ना, तो ये बुगाटी जो है हम उसको फ्रैंकलिन को देने चलेंगे। बट पहले मैं चलता हूं अपनी लैम्बोर्गिनी को वापस लाने उसी जगह पर। तो चलो यार अब मैं अपनी कार लेकर नहीं जाऊंगा, किसी कार चुरा कर ले जाऊंगा, ताकि वो कार खो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वापस लैम्बोर्गिनी में बैठ कर आएंगे। तो ये रही वो सामने मेरे कार खड़ी है। ओके एक और कार जा रही है इसके जैसे डुप्लीकेट। तो सबसे पहले इस कार को लेकर चलते हैं उस लोकेशन पर। तो वो जो जगह है वो ये वाली है भाई साहब, मतलब ये जगह ना देखो अलग ही दिखती है, इतना महंगा एरिया ना भाई। चलो सबसे पहले इस जगह पर चलते हैं फटाफट। और गाड़ी ये वाली जो खड़ी थी ना रोड पे, कॉमेट यार बहुत जबरदस्त कार है वाली भी, तो इस कार को लेकर चलते हैं। तो मैं सोच रहा था ये वाली कार भी ले ली जाए, बट यार इस कार की लुक मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, एक अलग ही मतलब कि गूंजता हुआ साउंड आता है इस कार में से। और स्पीड इसकी काफ़ी सही है, मतलब पिकअप अच्छा है, स्पीड ज़्यादा अच्छी स्पीड नहीं है, अराउंड 180 के आसपास चले जाती है। लेकिन यार अपनी लैम्बोर्गिनी जाती थी भाई साहब 400-350 तो चले जाती थी आराम से। तो अभी चलते हैं इस वाली कार को लेकर शिमला वाले रोडों से उस जगह पर। तो चलो गाइस बस हमें आगे से राइड लेना है और हम उस लोकेशन पर आराम से पहुंच जाएंगे। और भाई साहब यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ क्या कर रही है। ओहो बच गए बच गए बच गए, अभी तो भाई साहब बड़ी बुरी वाली टक्कर लग जाती इससे। ओके तो बस, और यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी अभी भी लगी हुई है, इतनी सारी एम्बुलेंस और भाई साहब फायर ब्रिगेड भी लगी हुई आगे। ओए इतनी लाशें तो अभी बिछी पड़ी है, साइड से निकालता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। ओके तो भाई यहाँ तो बुरा हाल हो रखा है, इतनी सारी एम्बुलेंस आ रखी है, फायर ब्रिगेड आ रखे। ओए मेरे को तो नहीं कह रहा ना कुछ। ओके ओके ठीक है भाई, यहाँ तो अभी भी लाशें बिछी पड़ी है, मेरे को अपनी लैम्बोर्गिनी वापस लानी है फटाफट से। ओ भाई साहब यहाँ तो भाई न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं, फोटोग्राफर्स आए हुए हैं, भाई बुरा हाल हो रखा है यहाँ तो। ये आगे फौजी भी खड़े हुए हैं ना भाई, आगे फौजी भी खड़े हुए हैं भाई। ये माइकल को पहचानेंगे, ये कन्फर्म माइकल को पहचान लेंगे। मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, अभी यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा, वरना माइकल की कुटाई हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त वाली, अभी भी मैं सही बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, और ये काम करने के लिए हम फ्रैंकलिन को भेजेंगे, क्योंकि हम फ्रैंकलिन के लिए लाए हैं बुगाटी, अब फ्रैंकलिन हमारे लिए लाएगा हमारी लैम्बोर्गिनी। भाई साहब यहाँ तो इतनी सारी पुलिस आकर खड़ी हो रखी है भाई, क्या बुरा हाल हो रखा है। तो अभी मैं जाता हूँ सीधा फ्रैंकलिन के पास, फ्रैंकलिन को देता हूँ ये काम। तो चलो भाई अब उस लोकेशन पर फ्रैंकलिन को लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं ना वो फ्रैंकलिन को नहीं जानते होंगे, क्योंकि कल जितना भी कांड करा था वो माइकल ने करा था। फिलहाल माइकल ने भी मास्क लगा रखा था, लेकिन यार फिर भी क्या पता ड्रेस पहचान ले, कुछ तरीके से पहचान ले उसे, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने इस काम के लिए फ्रैंकलिन को भेजा है। और यहाँ पर भाई क्या बुरा हाल हो रखा है, मतलब यार इतनी पुलिस कैसे मर गई, गाड़ी वाड़ी फूटी थी शायद, हाँ आग वाग लग गई थी किसी गाड़ी में, और ये बंदा फोटोग्राफ्स ले रहा है भाई हर चीज़ की। ओके यार मतलब न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह सब आ गए हैं भाई, क्या बुरा हाल हो रखा है यार। ओ शिट भाई ये गाड़ी में आग वाग लगी पड़ी है पूरी, भाई क्या बुरा हाल हो गया था यार इस जगह, कल मेरे को तो याद ही नहीं था भाई मेरी लैम्बोर्गिनी कहाँ है। लेकिन ओके तो लैम्बोर्गिनी भी सामने की तरफ में खड़ी हुई है, और ये बंदे कहाँ जाना चाहते हैं भाई, तुम क्या देख नहीं रहे हो इधर क्या आतंक मचा हुआ है, और तुम्हें सबर नहीं है। तो ओके पुलिस वाले वैसे मेरे को कुछ नहीं कहेंगे, तो यहाँ पर मैं एक बार लैम्बोर्गिनी देख लेता हूँ। यार पुलिस वालों ने घेर रखा है यार इसको। ओके तो इन्हें पता है ना ये गाड़ी लेने वापस आया, क्योंकि अरे बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है, क्योंकि जितने की गाड़ी मैं चुरा कर गया हूँ ना उतने की गाड़ी ये भी है। और भाई गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो गई है, और यहाँ पर बंदे भी खड़े होकर नज़र देख। भाई रुक जा भाई, मैंने कुछ करा भी नहीं अभी। ओके तो यहाँ पर यार पूरी खड़ी हो रखी है लैम्बोर्गिनी, और यार ये लोग मारे हैं ना मेरे को अगर मैं जैसे बैठूंगा, इन्होंने पूरी ब्लॉक कर रखी है यार, इसके बारे में उन्होंने वो लगा दिए हैं डंडे डंडे से, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, और चारों तरफ से घेर रखा है भाई, और ये सब क्या कर रहे हैं। ओके तो ये तो पता नहीं रिपोर्ट लिख रहा है इस चीज़ की, पता नहीं क्या सीन चल रहा है इधर। लेकिन यार मैं गाड़ी चुरा कर भागूंगा कैसे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, इधर तो बहुत बुरा हाल हो रखा है। और लैम्बोर्गिनी यार ऐसे क्यों पकड़ ली इन्होंने भाई, ऐसे कौन घेरता यार लैम्बोर्गिनी, मेरे को इन चारों को मारना पड़ेगा, वरना भैया ये सीधा हेडशॉट मारेंगे। और गाड़ी की हालत देखो भाई कितनी मिट्टी मिट्टी सी हो गई है। ओके बाकी तो बुलेट प्रूफ थी इसलिए बॉडी पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गाड़ी को वॉश करवाना पड़ेगा और रिपेयर भी करवानी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो यार मैं क्या करूँ, मेरे दिमाग में कोई प्लान नहीं आ रहा। रुक जाओ मैं एक बार ना चेक कर लेता हूँ मेरे पास गन कौन कौन सी है। अगर मेरे पे स्नाइपर होगी तो भैया मैं फिर हेडशॉट मार दूंगा और गाड़ी लेकर भगूंगा कल की तरह, और टनल में जाके छुपूंगा ताकि लैम्बोर्गिनी बच जाए, मिल जाए हमें लैम्बोर्गिनी जैसे तैसे करके। तो यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन है, स्नाइपर होगी मेरे पे।
तो चलो भाई स्नाइपर मैंने निकाल लिया भैया, बस पुलिस वालों के ऊपर तान के बस मेरे को मारना है। बताओ कर दूं, कल वाला सीन ना हो जाए यार। मतलब कि यार बहुत मुश्किल है वैसे गाड़ी को निकालना, अगर मैं चुपचाप जाकर निकालूंगा तो सीन हो जाएगा। तो भैया मारने स्टार्ट करते हैं, ऐसे मारूंगा ना कि चारों मर जाए। रुक जाओ भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ से हम चारों पर एक ही बार में एम लेंगे। ओके तो ये हमने स्कोप खोला। ओए यार ये लोग पब्लिक चिल्लाती बहुत है यार, कसम से बता रहा हूँ। एक गया, दो गया। ओके 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 भाई मेरे को निकलना पड़ेगा। ओके तो भाई मैं भागकर अभी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया, और ये और पुलिस वालों को फोन लगा रहा, तेरी भैंस की टांग। ओके फिर से तीन स्टार की पुलिस लग गई, अब यहाँ से निकलूंगा कैसे भाई। वेट 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 भाई क्या बुरा हाल कर, ओ भाई साहब यहाँ से एक बार अपनी गाड़ी बस निकल जाए, गाड़ी का बहुत बुरा हाल हो रखा भाई, चल ही नहीं रही तो। ओके भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चल जा प्लीज प्लीज प्लीज। इस टाइम मेरे को कोई दिमाग टेंशन नहीं चाहिए भाई, मेरे को बस यहाँ से निकलना है। हटो सालो, फिर से दबाई हो जाएगी भाई, ये गाड़ी निकाल लेनी है भाई यहाँ से। यार बात तो वही पड़ गई, पुलिस से मेरे को बचना था यार, लेकिन यहाँ पर दोबारा से पुलिस पीछे पड़ गई है। तो यहाँ पर अबे हट जाओ आंटी जी, भाई कैसे चल रही है रोड पे। अबे क्या रोड पे क्यों घूम रहे हैं ये रोड पे क्यों घूम रहे हैं यार। लैम्बोर्गिनी कसम से मेरे से नहीं चल रही भाई, इस टाइम पे धीरे धीरे चलाता हूँ, ज़्यादा तेज चलाने के चक्कर में ना बिल्कुल चल ही नहीं रही। और ये ओ भाई बच गए बच गए बच गए बच गए, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सीट बेल्ट लगा रखी थी इसलिए बच गए, वरना भी बुरा हाल हो जाता। ओके तो बस यहाँ से मैं निकल लेना है, हेलीकॉप्टर वगैरह सब आ चुके हैं। ओके तो काफ़ी पतला सा रोड है, तो मेरी लैम्बोर्गिनी तो आराम से निकल गई, बस पुलिस वालों की ना आ पाए इस जगह पे। बस यहाँ से हमारे को एक ढंग का रोड चाहिए जिसपे मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को उड़ा सकूँ पूरा। भाई तेरी ऐसी की तैसी साढ़े रास्ता जाम करता है बे, रास्ता जाम करता है। ओए पानी के अंदर गिर जाऊंगा भाई। बस यार हाईवे चाहिए, क्योंकि लैम्बोर्गिनी है ना यार हाईवे पे बढ़िया चलती है, पतले रोडों पे उतनी खास नहीं चलती, धीरे धीरे चलानी पड़ती है, क्योंकि यार इसके जो टायर है बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं, मतलब कि हद से ज़्यादा स्लिप होते हैं इसके टायर। तो मेरे को एक हाईवे चाहिए, हाईवे। अगर एक बार ये हाईवे मिल गया ना, पुलिस वालों को मैं दिखूंगा भी नहीं कहाँ पर गया, इतनी तेज भगाऊंगा। आगे के शीशे फोड़ दिए भाई इन्होंने पूरे एकदम गोली चला चला के। अब रुक जाओ भाई, अब दिखाता हूँ इन्हें लैम्बोर्गिनी की स्पीड। ओ शिट, ओ भाई गाड़ी जाएगी, गाड़ी फूटेगी, कल भी इतनी ज़्यादा ठुकी है आज भी। ओके तो यहाँ से बस हमें राइट लेना है, मतलब कि पूरा एक टाइप से यू टर्न लेना है और हम हाईवे पे आ जाएंगे। और भाई मौसम कैसा सा हो रहा है यार, ये एकदम पूरे बादलों वाला, और पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी हुई है इसी टाइम पर, मतलब कि यार क्या गलत ही सीन लग रहा है आज भाई, दिन खराब लग रहा है मेरे को फ्रैंकलिन का। तो भैया अब हम इन्हें लैम्बोर्गिनी की पावर दिखाएंगे, अगर ये लोग लैम्बोर्गिनी वालों का पीछा करेंगे ना तो इनको दिखाता हूँ क्या अंदाजा होता है। आ जाओ बेटा, आ जा 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 आ जा, अब आ जा बेटा, अब तुम्हें दिखाता हूँ मेरा पीछा कर रहे हो तुम, वो भी हाईवे पे, मतलब एक बार को पीछा कर रहे हो ठीक है, वो भी हाईवे पे लैम्बोर्गिनी का पीछा। ओए ओ भाई ये तो चीटिंग है यार, ये तो चीटिंग है, अभी तक तुम पीछा कर रहे थे पूरा रोड ब्लॉक कर रहे हो, ये गलत बात है भाई, ये रोड भाई सरकारी रोड है, ऐसे तुम ब्लॉक नहीं कर सकते यार, वैसे ये भी तो सरकार की ही है। चलो कोई नहीं, कर लो चीटिंग भाई, सिर्फ पीछा करने की बात हो रही थी तो इन्हें मैं बताता अभी हाईवे पे। ओके वैसे तो अभी मैं खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लैम्बोर्गिनी इतनी तेज चल रही है। ओ शिट यार ये बुगाटी चला चला के ना लैम्बोर्गिनी नहीं चला पा रहा, कल मैंने इतनी बुगाटी चलाई थी। ओके तो यहाँ पर से सही रोड है भाई, ये वाला रोड एकदम मस्त है, मतलब कि पूरा रोड खाली था और हमारी लैम्बोर्गिनी ने पकड़ लिया 300 की स्पीड। अब बस ये ठुके ना इनको पूरा मैप घुमा दूंगा मैं। ओ मैं गलत रास्ते आ गया, ना 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 ये मैं नहीं चाहता था, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, अब लेकिन आ गए हैं तो चल लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। सिंगल वे रोड है, बहुत दिक्कत होने वाली है इस रोड पे, मतलब कि यार ओनली एक साइड ही, मतलब एक कार ही जा सकती है एक बार में एक साइड से। तो भाई साहब गाड़ी भगाते भगाते रात हो गई, और पुलिस वालों को इस बार ही ना मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया, और इस बार अपना टारगेट यही है कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो बात को, मतलब कुछ भी हो जाए बस ठुकना नहीं है, जितनी भी स्पीड कम हो जाए लेकिन भाई किसी भी गाड़ी से ठुकना नहीं है, तो ही मैं पुलिस वालों से पीछे छुड़ा पाऊंगा, मतलब कि मुझे बहुत पीछे छोड़ देना उन लोग को। तो भाई मैंने अपना घर गूगल मैप्स में मार्क कर लिया, मैं सीधा अपने घर जाऊंगा, गाड़ी जो है गैराज में खड़ी कर दूंगा और पुलिस वालों को मार के सरेंडर कर दूंगा, मतलब सरेंडर करूंगा या फिर वहां से निकल लूंगा कोई और गाड़ी लेकर, बट लैम्बोर्गिनी अपनी सेव करनी है, क्योंकि बाकी गाड़ियां तो आते रहेगी लैम्बोर्गिनी कभी नहीं आएगी, तो लैम्बोर्गिनी सेव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अभी मैंने लैम्बोर्गिनी सेव नहीं करी तो ये लैम्बोर्गिनी फोड़ देंगे पुलिस वाले, भाई बहुत गोलियां चला रहे हैं, और लैम्बोर्गिनी वैसे ही इतनी हालत ख़राब हो चुकी है, पूरा धूल मिट्टी में रगड़ रगड़ के धुआं हुआ छोड़ने लग जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको घर पर लेकर चलते हैं। ओके तो यहाँ से हमने निकाल लिया, अब आगे से एक पुलिस वाला और आ रहा है, तो चलो भैया इससे भी निकाल ली, बस अब यहाँ से आगे वाले कट से लेफ्ट लेना था, तो यहाँ से मैं यहीं से लेफ्ट ले लेता हूँ, ठीक है भाई जल्दी लेफ्ट हो गया उल्टा,
आगे से लेता तो देर से होता, बस आगे से एक राइट कट लेना है, फिर लेफ्ट कट लेना है और घर हमारा आ जाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं सीधा ही आगे ले लेता हूँ भाई, तो बस हमें आगे से यू टर्न लेना है और अपना घर जो आ जाएगा न्यू वाला। और एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं था कि माइकल ने, ओ फ्रैंकलिन ने अपना न्यू घर ले लिया है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ घर। अभी तो फिलहाल फुर्सत में नहीं दिखा पाऊंगा, कभी और दिखाऊंगा। ओके, तो अभी मैं अपने घर के ऊपर आने वाला हूँ, एक्चुअली घर के ऊपर नहीं, घर में आने वाले हैं नए वाले। तो यहाँ पर आगे से सीधा जाना है और यहाँ से राइट लेनी है ना। ओके, तो आगे वाले कट से राइट लेनी है। अबे तुम पहले आ जाओ, तुम्हें बेटा मेरे घर पे मत आने दूंगा, मेरे घर मत आ जाना, पहले बता रहा हूँ। ये लोग मेरे घर आएंगे ना तो मेरे घर के अंदर घुस के मारेंगे, पता है। अबे तू ठोकियो मत। बढ़िया बढ़िया, नाइस वर्क नाइस वर्क। लेकिन मैं घर के अंदर कैसे जाऊंगा भाई, ये तो कुछ ज़्यादा पुलिस है, ये तो गलत सीन हो गया भैया। और एक्चुअली मेरे को जाना ऊपर था, मैं आ गया नीचे। तो वैसे कभी कभार गाड़ी धीरे चलाने में फ़ायदा होता है। देखो पुलिस आ रही थी राइट से, मैं चला गया लेफ्ट, और अगर भाई मैं तेज स्पीड में होता तो मैं ठोक देता, सच्ची बता रहा हूँ। बस थोड़ा सा और आगे जाना है, और आगे से भी एक पुलिस आ रही है जो कि मेरे घर के बाहर ही खड़ी हुई है। अरे भाई यार तुम्हें सब पता है यार, तुम पूरा एकदम जाम लगा के बैठ रहे। तो ओके भाई रोड ब्लॉक कर रखा है, वाओ नहीं वाओ। भाई तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला ये बताओ भाई, एक बार को माइकल का घर पता होता तो समझ भी आता, लेकिन इसको फ्रैंकलिन का घर वैसे पता चला ये नहीं समझ आ रहा। आ जा जा जा। ओके, तो भाई मैं अभी अपने गैराज के अंदर आकर छुप चुका हूँ, और मैंने गैराज जो है बाहर से लॉक कर दिया है, तो लग रहा पुलिस वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अगर मैं शायद इसके अंदर थोड़ी, भाई ये तो मारते रहेंगे यार ऐसे, ऐसा क्या करेगी भाई पुलिस वाले में कुछ भी ना कहे। तो यहाँ पर मेरे पास वेपन्स तो काफ़ी अच्छे खासे हैं, तो ये वाला वेपन यूज़ करेंगे हम। ओके आ जा बेटा आ जा आ जा, अब तुम्हें बताता हूँ मैं। आइए ये वही, मेरी गाड़ी ना जल जाए। आओ बेटा, ये लगाया भाई फ्रैंकलिन ने दिमाग। गैराज में ऑटो लॉक है, गैराज अपने आप बार बार बंद होता रहेगा। ये क्या हुआ, मैं मर कैसे गया? चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अपनी गाड़ी सेफ होगी, लेकिन मैं कैसे मर गया? अच्छा अच्छा, मेरे शरीर में आग लग गई थी शायद। ठीक है अपनी गाड़ी सेव हो गई भाई, और कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी सेव हो गई वही हमारे लिए बहुत है। अब बस इस गाड़ी को ले आकर दे देंगे वापसी से फ्रैंक को, माइकल को, और फ्रैंकलिन अपनी वहाँ से बुगाटी ले आएगा भाई। तो ये हुआ ना पक्का सौदा भाई हमारे, लेकिन $5,000 का नुकसान हो गया है क्योंकि हम मर गए थे। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है यार, अपनी गाड़ी आ गई है, $5,000 ही गए हैं, $5,000 तो यूँ आ जाएंगे, कुछ नहीं करना होता, यूँ जाओ बस कट्टा दिखाओ, बंदा अपने आप ही डर के भागेगा। मतलब अगर मार दोगे तो पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम एक गाड़ी चुरा लेते हैं और गाड़ी लेकर चलते हैं सबसे पहले। ओए ये दो लोग कौन आ रहे हैं मेरे को मारने, एक सेकंड, कौन है बे? तेरी भैंस का कुत्ता काटू तेरी ऐसी की तैसी, कुछ कहा है मैंने? उरे उरे, अच्छा जी तेरी तल तेरी भैंस की, अब बोल बोल साले मेरे। ओए अबे खड़ा हो तो होना सीख ले, रुक जा तेरे को इससे नहीं मारूंगा बेटा, रुक जा मेरे पे तेरी भैंस की बजूका मारूंगा इसके साड़े के। अबे गाड़ी पे नहीं मत एम कर, मैं बेटा सच्ची बता रहा हूँ, पुलिस बुला ली कुछ भी बुला ली वो बहुत मारूंगा यहाँ पर, मेरे से पंगे लेगा तो, जैसे इसको मारा इसको, ये बहुत उछल रहा था ना, इधर आ इधर आ इधर आ, तेरी एक लात तो मारूंगा कल तेरी भैंस की टांग। ओके भाई गाड़ी दिखा गाड़ी दिखा, अब गाड़ी दिखाओ बे। ओके, तो जो हमारा घर है वो आने वाला है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि भैया फ्रैंकलिन ने नया वाला घर कब में ले लिया, तो वो मैं बताऊंगा कब लिया कैसे लिया, सब कुछ आएगा उसके ऊपर भी, मैं पूरा घर के ऊपर पूरा दिखाऊंगा क्या हुआ था। तो अभी सबसे पहले गाड़ी लेकर चलते अपने घर पर, और मुझे देखना है मेरी लैम्बोर्गिनी वहाँ पर खड़ी है या फिर नहीं खड़ी। ओके, वैसे पता हमने उन बंदों को पुलिस वालों को मारा बहुत तगड़ा था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यार एक गोली हमें भी लग जाएगी, पता नहीं यार कैसे लगी। वैसे गोली लगने का कोई मतलब तो नहीं था, बट फिर भी पड़ गई। ओके, तो हमारी लैम्बोर्गिनी अंदर खड़ी है भाई, कितनी अच्छी बात है भाई। तो चलो यार अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सबसे पहले माइकल के घर पर, अब वहाँ से उसको ये वाली कार देंगे और उससे बुगाटी लेकर आएंगे। एक काम करते हैं माइकल को यहीं लाते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। तो चलो गाइस अभी हम आ चुके हैं माइकल के घर पर। अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है कि जो बुगाटी है ना उसके ऊपर का टॉप खुलवा दो, तो यहाँ पर मैंने जो है टॉप खुलवा दिया, लेकिन इस टॉप को ना बंद भी करवाएंगे, वो तब करवाएंगे जब इस गाड़ी को कोई मिशन पे ले जाना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना पुलिस पीछे पड़ जाती है, और पुलिस अगर पीछे पड़ती है तो भैया गोली सीधा हेड पे लगेगी और पट्टे से हेडशॉट हो जाएगा गाड़ी के अंदर ही। तो इसलिए मैंने अभी टॉप खुलवा रखा है अभी, क्योंकि कोई मिशन विशन करना नहीं है। अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर पर, अब भाई देखते हैं फ्रैंकलिन का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि उसने अभी तक इस बुगाटी को नहीं देखा है। बाकी वो जैसे ही देखेगा भाई साहब अलग ही लेवल खुश हो जाएगा वो। तो सीधा लेकर चलते हैं, और गाड़ी का पिकअप बहुत तगड़ा है भाई, मतलब कि देखना 200 की स्पीड यहीं टच हो जाती है। ओके भाई विंग भी इसका निकल गया, ओके बढ़िया है।
तो चलो भाई अभी हम फ्रैंकलिन के घर पर पहुंचने वाले हैं। बस आगे से लेफ्ट लेना और फ्रैंकलिन का घर आ जाएगा और भाई वो अपनी बुगाटी देख के भाई बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ओके तो यार इसका घर जो है ना बड़ी अजीब सी गली में, मैं हमेशा यहाँ से भटक जाता हूँ, आगे चले जाता हूँ थोड़ा सा। तो अभी हम एकदम करेक्ट आ चुके हैं और फ्रैंकलिन देखते हैं बस घर पर ही हो, कहीं इधर उधर ना चला गया होगा फुल नशे में। ओके तो बस आगे जाना सीधा और फ्रैंकलिन हमें मिल जाएगा। तो चलो भाई हमने अपनी बुगाटी पहुंचा दी। ओके तो फ्रैंकलिन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। ओ सो भाई 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 अपनी गाड़ी ठोक दी। चलो कोई नहीं। ओके भाई साहब यहाँ पर हमारी लैम्बोर्नी आप देख पा रहे हो कितनी जबरदस्त लग रही है। तो अभी हमें अपनी लैम्बोर्नी लेकर निकलते हैं, इसको इसकी गाड़ी देते हैं, हम अपनी गाड़ी लेकर निकल लेते हैं। ओ भाई क्या हो गया? ओए भाई ऐसे मैं फ्रैंकलिन पिटा भाई, अब फ्रैंकलिन पिटेगा। मेरे को ही धोखा दिया ना इसने भाई साहब। फ्रैंकलिन द धोखेबाज तेरी ऐसी की तैसी बेटा फ्रैंकलिन, अब तेरी मौत पक्की है। मेरे से भिड़ेगा ना तू? भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है? मेरी लैम्बोर्गिनी दे भाई, मेरी लैम्बोर्गिनी दे, मैं बेटा तेरे को जाने नहीं दूंगा। भाई फ्रैंकलिन कसम से यार इतना बड़ा चोर निकला, मुझे पता नहीं था, मैं इसके लिए बुगाटी लेकर आया और इसने मेरे को ही धोखा दे दिया मेरी लैम्बोर्गिनी चुरा कर। भाई ये बड़ा सही करा इसने, ये बड़ा सही करा भैया, मैं इसे छोड़ने नहीं वाला अब। अबे कहाँ गया है? ओके 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 उसकी गाड़ी वो जा रही है, अभी भी भगा ही रहा है भाई सब। तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन, अब तेरी जान नहीं छोड़ूंगा मैं। रोक साले गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक दे फ्रैंकलिन भाई। अबे भाई तेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए तो मेरे को बता देता भाई, हम तेरे लिए दूसरी ले आते भाई। ऐसे चुरा कर भागने की क्या जरूरत है यार? मतलब ऐसा क्या हो गया भाई? देख रहे हो कैसे लेकर भाग रहा है बेटा? मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मेरे से भी तगड़ी चला रहा है भाई ये तो। तेरी ऐसे की तैसी गाड़ी छोड़, गाड़ी छोड़ साले, पुलिस पीछे पड़ जाएगी मेरे, वरना गाड़ी छोड़ दे भाई, छोड़ दे गाड़ी, छोड़ दे। पहले हमने पुलिस से लड़ा इस गाड़ी के लिए, अब हम आपस में ही लड़ रहे हैं भाई साहब। क्या चीज़ है भाई ये लैम्बोर्गिनी, अब इसको बुगाटी नहीं चाहिए, इसे लैम्बोर्गिनी चाहिए भाई साहब। मैं इसके लिए इतनी दूर दूर से लड़ लड़ के गाड़ी लाया और उसने आज ये धोखा दे दिया भाई। क्या तेज भगा रहा है भाई वो, भाई उड़ा रहा है वो पूरी गाड़ी। लैम्बोर्गिनी बहुत फास्ट है भाई, अपनी बुगाटी भी उतनी तेज नहीं चल पा रही जितनी उसकी लैम्बोर्गिनी चल रही है। ओके यार बुगाटी के कंट्रोल्स अच्छे नहीं है यार, मतलब सीधे रोड के लिए बेटर हैं लेकिन यार। रोक दे भाई रोक दे, अभी भी कह रहा हूँ मैं तेरे को, मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं मार दूंगा इसे। ओके रा अब इसके सीधा हेडशॉट देना मेरे को जैसे ऐसे करके। भाई बहुत फास्ट है उसकी कार, नहीं पकड़ पाऊंगा मैं बुगाटी से। रोक साले भाई, रोक ही नहीं रहा यार, गई यार अपने हाथ से जाएगी आज। एक तो भाई साहब इतना खराब रास्ता है ना, मैं क्या बोलूँ भाई, भगा ली भाई उसने और पुलिस भी मेरे को मारेगी अब क्योंकि गोलियां मैं चला रहा हूँ, वो बस गाड़ी भगा रहा है भाई। निकल गया फ्रैंकलिन, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। अबे भाई सीधी हो जा बुगाटी यार, बुगाटी ऐसे मत कर प्लीज। तो भाई साहब फ्रैंकलिन लग रहा है यार बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, मैं उसका यार रास्ता पीछा भी नहीं कर पाऊंगा यार, मतलब बहुत आगे निकल गया क्योंकि यार उस पर लैम्बोर्गिनी और यार सीधी सी बात है लैम्बोर्गिनी की स्पीड इसकी डबल है समझ लो भाई। यार वो दिख भी नहीं रहा भाई, बहुत आगे चला गया। ओके यार वो निकल गया भाई, अब तो किसी गली वली में मुड़ गया होगा तो पता नहीं भाई। यार लैम्बोर्गिनी लेनी थी तो मेरे को बता देता भाई, हम तेरे लिए दूसरी ले आते यार। भाई ये बड़ा सीन गलत करा यार फ्रैंकलिन ने भाई। एक तो लैम्बोर्गिनी वहाँ से चुरा कर लाया और जैसे ही मैं उसको मतलब कि माइकल को लेकर गया उसके घर पर अपनी लैम्बोर्गिनी लेने, तो भाई सब गाड़ी में सीधा बैठा और भाग लिया। ए यार गलत बात है भाई ये। तो चलो यार कोई बात नहीं, यहाँ पर माइकल का जो है दिल टूट चुका है एक टाइप से, उसके मत्थे पे गुस्सा भी और दिल भी टूट चुका है क्योंकि उसी का दोस्त उसकी ही गाड़ी चुरा कर भाग गया। मतलब कि इसने उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की मर्सिडीज चुराई, उसके लिए बुगाटी चुराई इतने बड़े आदमी की, और वो एट द एंड इसकी गाड़ी चुरा कर भाग गया। तो मुझे कमेंट में बताना कि मुझे फ्रैंकलिन को मार देना चाहिए उससे लैम्बोर्गिनी लेने के लिए, या फिर इसको आराम से प्यार से समझा कर उससे लैम्बोर्गिनी लेनी चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस यार आज की वीडियो में इतनी, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पे एम करते हैं 40,000 लाइक के लिए। और हाँ यार जो भी चैनल पर न्यू है, वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, 1 मिलियन हमारे होने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दो, पूरी फैला दो ताकि सभी लोग सब्सक्राइब कर दे और सभी लोग हमारी टेक्नो गेमर्स आर्मी में ज्वाइन हो जाए। तो चलो यार कोई बात नहीं, और हाँ यार जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर फॉलो नहीं करा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर फॉलो कर लो। तो गाइस गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।